वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर की भी मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म को कम कीमत पर रिहाइश की फराहमी के लिए जारी मंसूबों पर पेशरफ से आगाह किया गया। मॉर्गेज फाइनेंसिंग के लिए स्टेट बैंक 69 अरब रुपये की मंजूरी दी गई। कम कीमत पर रिहाइश की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, यह कहना था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। इस मुलाकात का मजीद अहवाल जानते हैं, कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कमर बताइएगा। जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर की मुलाकात हुई, और मुलाकात में इस हवाले से जो मंसूबा था उसकी तमाम पेशरफ से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया था। हम वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में कम कीमत रिहाइश के फराहमी के लिए जो मंसूबे शुरू किए गए हैं उनकी तफसीलात से भी आगाह किया गया था। हम जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग के लिए स्टेट बैंक ने 69 अरब रुपए की मंजूरी दी ही उस पर भी ब्रीफिंग दी गई, और इसमें यह कहा गया है कि कम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस मुलाकात के दौरान कहा कि कम कीमत रिहाइश के जो फराहमी है इससे की हुकूमत की ये अवलीन तरजीह है कि इसको मंसूबे को हुकूमत के जो टेन्योर है इसमें मुकम्मल किया जाए। हुकूमत ने मुल्क में पहली दफा मॉर्गेज फाइनेंसिंग को मुतारिफ कराया है और इसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हर नहज पर जाया जाएगा। ताहम गरीब आदमी जो है अब किराए के घर के बजाय आसान इकसात पर अपना घर का मालिक बन सकेगा। और ताहम इस हवाले से जो मजीद पेशरफ है मजीद जो इकदाम किए जाएंगे उससे भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।